नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कॉर्पोरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड के सुल्तान यानी कि सलमान खान सर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर मूवी लेकर आ रहे हैं, जिनमें से शामिल है एक कभी ईद कभी दिवाली मूवी, जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं फरहाद सामजी। और इस मूवी में सलमान खान सर के साथ हमें रितेश देशमुख, कृति सनन और पूजा हेगड़े जैसी बढ़िया स्टारकास्ट देखने को मिलेगी। वही इस मूवी को 100 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा सलमान खान सर अपने फैंस के लिए टाइगर जिंदा है 3 मूवी भी लेकर आ रहे हैं और इस बार इस मूवी को डायरेक्ट मनीष शर्मा करने वाले हैं। और इस मूवी में हमें सलमान खान सर के साथ कैटरीना कैफ देखने को मिलेगी। वहीं इस मूवी के अलावा सलमान खान सर अंतिम द फाइनल ट्रूथ मूवी लेकर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है और इस मूवी को डायरेक्ट महेश मांजरेकर करने वाले हैं। वहीं इस मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान सर के साथ उनके बहनों आयुष शर्मा भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस मूवी में हमें स्टार कास्ट के तौर पर लीड एक्ट्रेस में प्रज्ञा जायसवाल भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उनकी किक 2 मूवी भी आने वाली है, जो 2014 में किक मूवी आई थी उनका ही दूसरा सिक्वल रहेगा। और इस मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान सर के साथ जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेगी। वहीं इसके अलावा जो मूवी आने वाली है वो है राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी, जिस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रभु देवा और इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे सलमान खान, सोहेल खान और अतुल अग्निहोत्री मिलकर। और ये मूवी एक्शन, रोमांस और थ्रिलर से भरपूर रहने वाली है। वहीं इस मूवी के स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान सर के साथ दिशा पटानी, मेघा आकाश, रणदीप हुंडा और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार कास्ट देखने को मिल सकती है। वहीं ये मूवी दक्षिण कोरिया फिल्म वेटरन की रीमेक रहने वाली है और इस मूवी से हमें सलमान खान सर IPS राजवीर शेखावत यानी कि राधे का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं रणदीप हुंडा की बात की जाए तो वो करण सिंह राठौर का किरदार निभाएंगे। वहीं जैकी श्रॉफ मनिक का किरदार निभाएंगे और इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग भी रहने वाला है जो हमें जैकलिन फर्नांडिस करती हुई नजर आएगी। साथ में इस मूवी को 120 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 300 से ऊपर 400 करोड़ की कमाई कर सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। इसके अलावा ये राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी ईद के त्यौहार पर आने वाली है और इस मूवी का क्लैश जॉन अब्राहम की मूवी सत्यमेव जयते 2 मूवी के साथ होने वाला है। तो दोस्तों आप सलमान खान सर की राधे और मोस्ट वांटेड बाय मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर।